हेलो नमस्कार साथियों, कॉलर्स ट्रेड सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। तो दोस्तों, आज हम 13 अक्टूबर का एडिटोरियल लेकर के आए हैं, जो अपने राजस्थान में अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस को लेकर के है। तो आइए देखते हैं आज के द हिंदू एडिटर्स का क्या विचार है इसको लेकर के। तो आप 13 अक्टूबर का आप देख सकते हैं, यहाँ एडिटोरियल और ओपिनियन पेज पे जाएंगे द हिंदू में, तो आपको ये आर्टिकल मिलने वाला है। तो राजस्थान विधानसभा में जो होने वाले चुनाव है उनको लेकर के है, जो पार्टियों का क्या परसेप्शन होने वाला है उसको लेकर के क्या है विचार एडिटर्स का। तो देखते हैं आज का एडिटोरियल। फर्स्ट वोकैब देखते हैं, इसमें सबसे पहले अपना वोकैब में आते हैं। तो वोकैबुलरी में पहला शब्द आ रहा है इनकमेंट। आपको याद होगा अपने पिछले क्लासेस में भी इसको देखा था, इनकमेंट प्रोनंसिएशन हो जाएगा इसका। इनकमेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है ये, अवलंबी। अवलंबी या पदधारी तो दो अर्थ होंगे। तो जो इनकमेंट गवर्नमेंट है यानी वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके लिए, या एट प्रेजेंट कोई पदधारी ऑफिसर बियर है ऑफिस बियर है उसके लिए आता है। तो इनकमेंट पदधारी और अवलंबित होगा। तो नेसेसरी फॉर समवन एज ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट रियलाइज दैट इट वॉज इनकमेंट ऑन देम टू एक्ट। तो गवर्नमेंट ये समझी कि उनके लिए बहुत ही कार्य करना एक्ट करना अवलंबी है, यानी कि तत्काल उसकी आवश्यकता है। दूसरा होता है इसका पदधारी ऑफ एन ऑफिशियल और रिजीम, किसी पद या शासन के लिए द करेंटली होल्डिंग ऑफिस, जो वर्तमान में पद पर हो। तो जैसे वर्तमान सरकार है तो इनकमेंट से इनकमेंसी बनता है। तो सिनोनिम्स बाइंडिंग ऑब्लिगेटरी इन ऑफिस या इन पावर। तो अवलंबी के अर्थ में तो हो गया बाइंडिंग या ऑब्लिगेटरी, ये तो बहुत ही अवलंबी है अवश्यम भावी है, जल्दी से जल्दी करना है उसको। दूसरा हो गया पदधारी के अर्थ में इन ऑफिस या इन पावर, तो पद सत्ता में होना। इंटोनिम हो जाएगा ऑप्शनल, बाइंडिंग का उल्टा ऑप्शनल हो गया, ऑब्लिगेटरी का भी ऑप्शनल हो गया। और पास्ट या फ्यूचर इसका है जो इनकमेंट के अर्थ में इन पावर का हो, यानी बीता हुआ या आने वाला। सो एन एनुअल इवेंट एट विच द इनकमेंट प्रेसिडेंट ट्रेडिशनली डिलीवर्स ए स्पेशल वॉकिंग फन एट हिमसेल्फ। एक वार्षिक समारोह है जिसमें जो इनकमेंट प्रेसिडेंट यानी पदधारी राष्ट्रपति क्या करता है, ट्रेडिशनली डिलीवर से स्पीच, एक स्पीच देता है जिसमें पॉकिंग फन एट हिमसेल्फ, जो अपना ही खुद का मजाक उड़ाता है। तो ये इस तरह का एक वर्ड हो गया। तो इनकमेंट से ही इनकमेंसी बनता है। तो सरकार के खिलाफ अपने कहते हैं कि एंटी इनकमेंसी होगी। इनकमेंसी एक सत्ता की लहर होती है, तो एंटी इनकमेंसी सत्ता विरोधी लहर। तो इनकमेंसी होगी सत्ता की लहर जिसमें सेम गवर्नमेंट रिपीट होती है, और एंटी इनकमेंसी जिसमें सेम गवर्नमेंट के खिलाफ इलेक्शन का परसेप्शन बनता है। ये शब्द भी आगे आने वाला है अपने देखेंगे। बक, ये देखो इसमें बक का मतलब रेसिस्ट करना। यू यू से ए की ध्वनि आ रही है बक। नाउन और वर्ब दोनों ही के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। तो केवल नाउन के रूप में ये होगा हिरन यानी डियर, और बक नाउन वर्ब के रूप में इसका हो जाएगा रोकना रेसिस्ट करना। तो सिनोनिम हो जाएगा रेसिस्ट या डिफाई करना, गो अगेंस्ट या किक अगेंस्ट के खिलाफ जाना। जैसे प्रेजेंट सीएम अशोक गहलोत है इज ट्राइंग टू बक द एंटी इनकमेंसी, तो वो एंटी इनकमेंसी को बक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नर हिरण के लिए भी आ गया। दूसरा ये यील्ड या बो यानी आत्मसमर्पण कर देना, झुक जाना, सरेंडर कर देना, एंटोनिम हो गया। ही वांट्स टू बी टफ रिबेल हु बक्स द सिस्टम। तो वो क्या है टफ रिबेल, एक सख्त विद्रोही होने का प्रयास करता है, जो कि व्यवस्था को क्या करते हैं बक करने का प्रयास करते हैं, वो विरोध करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्ब फेस ऑफ, दो फ्रेजल वर्ब है लगातार बैक टू बैक। पहली फ्रेजल वर्ब है फेस ऑफ, सामना करना। टेक अप एन एटीट्यूड ऑफ कन्फ्रंटेशन, एक सामना करना, कन्फ्रंट आमने सामने होने का एटीट्यूड रखना, स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ ए फाइट और गेम, गेम की शुरुआत के अंदर ही। तो अब देखो फेस ऑफ, राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस का क्या है यहाँ मुख्य तौर पर फेस ऑफ होने वाला है। क्लोज टू ए मिलियन सोल्जर्स फेस ऑफ इन द डिजर्ट,
लाखों सेल्जर्स है जो डेजर्ट में क्या कर रहे हैं, तशब कर रहे हैं। आजकल गाजा पट्टी के अंदर इजराइल और पैलेस्टीनियन का जो है मास प्रूफ है, उनमें फैश ऑफ चल रहा है। शेक ऑफ, अब देखना शेक ऑफ SHAKE शेक, तो शेक ऑफ फ्रेजल वर्ब है, से छुटकारा पाना। मैनेज टू एवेड और आउट मैन्यूवर समवन हु इज फॉलोइंग और एनोइंग, जो आपका अनुसरण कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है या आपको चिढ़ा रहा है, उसको आउट मैन्यूवर करना। मैनेज टू इवेड, तो छुटकारा पाना, तो उसे किसी न किसी तरह से हटाने का प्रयास करना। ही थॉट ही हैड शेकन ऑफ हिज प्रेशर, उसने सोचा कि उसने उसका जो प्रेशर है, पीछा करने वाला है, उसे छुटकारा पा लिया है, तो शेक ऑफ करना। तो देखते हैं एंटी इनकमेंसी से प्रेजेंट इनकमेंट गवर्नमेंट है जो कैसे शेक ऑफ कर पाती है, छुटकारा पाती है। नेक्स्ट है, ये देखो वर्ड है ब्लिट्ज़क्रिंग, ब्लिट्ज़क्रिंग। अब इसमें देखेंगे ये इसका प्रोनंसिएशन हो गया पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ये वर्ड ऑफ द डे अपने इसको कहेंगे, आज का वर्ड ऑफ द डे, ये आज का अपना वर्ड ऑफ द डे है। ब्लिट्ज़क्रिंग नाउन है, छोटे अभियानों के लिए एक श्रृंखला या बिजली युद्ध। अभी आप इसको ध्यान से देखें, हमास और इसराइल का जो वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो आप देखते हैं एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। तो ये जर्मनी में जब युद्ध होता था वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले, तो ये क्या हुआ, जो यहूदियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जर्मन लोगों ने एक युद्ध की टेक्निक अपनाई। जर्मन ने क्या किया कि एक सीरीज ऑफ ऑल फाइट्स है, जो युद्ध की एक श्रृंखला, छोटे छोटे अभियान उन्होंने चलाए, आर्मी ऑपरेशंस चलाए, तो उस जिसके अंदर एकदम से घातक और जबरदस्त हमला किया जाता था, विरोधी सेना को कुछ बचने का या वापिस अटैक करने का मौका भी नहीं देते थे। ऐसे छोटे छोटे जो मिलिट्री अभियान थे उनकी एक सीरीज चलती थी, जैसे बिजली गिरती है इतनी फुर्ती से ये होता है, तो इसको बिजली युद्ध भी कहा जाता है। तो ये जर्मन भाषा का ब्लिट्ज़क्रिंग का मतलब होता है जैसे बिजली की गर्जना होती है उस तरह से। तो एक एन इंटेंस मिलिट्री कैंपेन, एक सघन मिलिट्री अभियान, इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट ए स्विफ्ट विक्ट्री, ताकि वो फटाफट, स्विफ्ट का मतलब तेज, एकदम तेज तरह तुरंत जीत मिल जाए आपको। अटैक, ब्लिच या बम्बारमेंट, तो हमला आक्रमण या बम्बारी करना, ये ब्लिट्ज़क्रिंग का हो गया सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएगा डिफेंस करना, रक्षा करना, रेसिस्टेंस करना, विरोध, तो विरोध या प्रतिरक्षा इसका अपोजिट वर्ड हो गया। तो यूजेस बिजली युद्ध के अर्थ में, हिज रेपुटेशन सोयड इन द एफ्टरमैथ ऑफ द ब्लिट्ज़क्रिंग दैट इजेक्टेड द डिक्टेटर्स फोर्सेस, तो उसकी प्रतिष्ठा है वो सोयर हो गई, बढ़ गई, एफ्टरमैथ ऑफ द ब्लिट्ज़क्रिंग, उस बिजली युद्ध ब्लिट्ज़क्रिंग के बाद में, दैट इजेक्टेड द डिक्टेटर्स फोर्स, जिसने तानाशाह सेना को इजेक्ट कर दिया। एक इसका हो जाए अतिशयता, यानी एक्सेस हो जाने के अर्थ में, ए शॉर्ट पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंटेंस एफर्ट टू डू समथिंग और ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, तो कोई चीज की अति होती है। आपके पास बहुत सारे स्पैम ईमेल्स आ जाते हैं, स्पैम SMS आ जाते हैं, स्पैम कॉल्स आ जाती है, तो भी हम कह सकते हैं इट्स ब्लिट्ज़क्रिंग ईमेल्स, इट्स ब्लिट्ज़क्रिंग है जो फोन कॉल्स, तो टेलीमार्केटिंग कंपनी ऐसा करती है, तो आप परेशान हो सकते, कह सकते हो कि ये ऐसा हो गया मेरे साथ। तो आई एक्सपीरियंस्ड ए ब्लिट्ज़क्रिंग ऑफ फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज एंड ईमेल्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कलीग्स, तो मेरे पास इतने सारे आए, यानी आपकी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई तो सब दोस्तों ने क्या किया, फोन कॉल की, टेक्स्ट मैसेज भेजे, और आपके पास है जो ईमेल भी आए दोस्तों के, तो आपने कहा कि इट इज एन ब्लिट्ज़क्रिंग ऑफ फोन कॉल्स। ओके, तो किसी चीज के अति हो जाना, बहुत ज्यादा फोन कॉल आ दिया ना, इस संदर्भ में भी आपको इसका यानी एडियोमेटिक यूज हो गया ये। नेक्स्ट वन एंटी इनकमेंसी, जैसे मैंने पहले कहा इनकमेंट पदधारी होता है, इनकमेंट से इनकमेंसी बना है, और एंटी लगना नहीं है के खिलाफ होना, तो सत्ता विरोधी लहर, तो इनकमेंसी हो गया लहर, और एंटी इनकमेंसी हो गया सत्ता विरोधी लहर, तो इनकमेंसी तो हो गया सत्ता लहर, यानी कि सेम सिस्टम को वापस से सपोर्ट करना, अगर आप सेम गवर्नमेंट सिस्टम को वापस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो एंटी इनकमेंसी है। एंटी इनकमेंसी सेंटीमेंट इन फेवर ऑफ वोटिंग आउट ए इनकमेंट पॉलिटिशियंस,
इनकम्बेंट पॉलिटिशियन जो वर्तमान में पदधारी पॉलिटिशियंस है उनको उनके फेवर में सेंटिमेंट होना, लहर होना, फॉर द स्पेसिफिक रीजन ऑफ बीइंग इनकम्बेंट पॉलिटिशियंस, खास तौर से विशेष कारणों से जो कि इनकम्बेंट पॉलिटिशियन है जो वर्तमान में पद पर है उनके खिलाफ लहर होना, लोगों का सोचना। नेक्स्ट वन इज फ्रेज है हेडविंड्स, नाउन पहला है हेडविंड्स, तो हेडविंड्स इसका प्लूरल हो जाएगा, तो ये नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच। विरोधी हवा या के विपरीत परिस्थितियां, तो कोई चीज के खिलाफ होना तो विपरीत परिस्थितियां है, एडवर्स सिचुएशन है, उस अर्थ में हेडविंड्स का प्रयोग करेंगे अपने। विंड ब्लोइंग फ्रॉम डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ, सामने से तेज हवा का आना, या ऑपोजिंग फॉरवर्ड मोशन या सामने की ओर तेज गति होना, या ए फोर्स और इन्फ्लुएंस दैट इनहिबिट्स प्रोग्रेस, तो एक ऐसा बल या प्रभाव जो कि इनहिबिट्स प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास करता है। द पार्टी हैड टू डील विद सम सिग्निफिकेंट हेडविंड्स, तो पार्टी को कुछ महत्वपूर्ण हेडविंड्स को है जो सामना करना पड़ेगा, यानी विपरीत परिस्थितियों का सामना। अभी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने वाली है या कर दिए हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स को हेडविंड्स का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि उनको कुछ विरोधी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है कि खुद की पार्टी के कुछ लोग हैं जो बागी होकर के उनके खिलाफ हो जाए, तो दे हैव टू फेस हेडविंड्स, तो वहां हेडविंड्स का प्रयोग करेंगे और एस का प्रयोग होगा। सो नेक्स्ट वर्ड इज टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट फ्रेज है ये। अब आप जानते हो हैचेट का मतलब क्या होता है, हैचेट का मतलब होता है एक्स, कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ी होती है आप जानते हो उसकी कुछ शेप इस तरह की होती है, तो ये क्या है, हैचेट है ये, तो ये जो एक्स होती है इसे हैचेट भी कहते हैं। तो टू बरी द हैचेट ये क्या काम आती है भाई, ये पेड़ों को काटने के काम आती है, लकड़ी को काटने के काम आती है, तो जो नुकसान पहुंचाए वैसी चीज क्या काम किया, इसे दफन कर दो, बरी करना, दफन कर देना, तो इसका मतलब टू बरी द हैचेट मतलब नुकसानदायक चीजों को खत्म कर दो, दफन कर दो, तो ये वेपन्स के अर्थ में आता है, ये पेड़ों को नुकसान पहुंचाती थी, तो आप ये क्या प्रयोग हो गया, झगड़ा खत्म करना, तो टू बरी द हैचेट यानी कुलाड़ी को भी क्या है, दफन कर दो, खत्म कर दो, ये नुकसानदायक होती है, तो ये फ्रेज बन गई। टू एंड ए क्वारल और कंफ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली, क्या करना, युद्ध खत्म कर देना, झगड़ा खत्म कर देना, और टू बिकम फ्रेंडली और दोस्त बन जाना, सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, मेकअप करना, क्षतिपूर्ति, मेक पीस, शांति स्थापित करना, सीज हॉस्टिलिटीज, दुश्मनी खत्म करना, तो इसका है जो अर्थ क्या हो जाएगा, दुश्मनी खत्म करना, यानी कि आप वापिस है जो राजीनामा करना, क्या बोलेंगे इसी शब्द में, राजीनामा करना, तो आप कहोगे सर इजराइल और फिलिस्तीन में क्या हो जाना चाहिए, राजीनामा होना चाहिए, तो इजराइल एंड फिलिस्तीन शुड बरी द हैचेट, क्या हो जाएगा, इजराइल एंड फिलिस्तीन शुड बरी द हैचेट, इजराइल और फिलिस्तीन को क्या करना चाहिए, बरी द हैचेट, उन्हें राजीनामा करना चाहिए, हॉस्टिलिटी खत्म कर देनी चाहिए, तो ये आपका वाक्य में प्रयोग होगा। आप करंट में जो चल रहा है उस पर थोड़ा सेंटेंस बनाएंगे तो ज्यादा याद रहेगा। आओ अब देखते हैं आज का एडिटोरियल, द हिंदू से लिया हुआ है, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। जयपुर गैम्बल, जयपुर का जुआ देखो, गैम्बल जुआ होता है, यानी राजधानी जयपुर है, राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऑन द राजस्थान असेंबली इलेक्शंस, राजस्थान की जो विधानसभा चुनाव है उस पर ये आर्टिकल है, हेडिंग देखते हैं, द स्टेक्स आर हायर फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए स्टेक्स है, बैट्स है, सरते हैं, वो हायर है इन राजस्थान एज द इलेक्शन इज फॉर टू लूज, जहां तक इसके चुनाव हारने की संभावना है। राजस्थान है जो हिस्ट्री ऑफ इनकमेंट गवर्नमेंट्स, इनकमेंट यानी वर्तमान में पदधारी सरकारें, वर्तमान में जो पदधारी सरकारें हैं उनके लिए राजस्थान का एक इतिहास है, लूजिंग पावर इन द नेक्स्ट इलेक्शन, कि अगले चुनाव में वो पावर खो देती है, इनकमेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या करती है, नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर हार जाती है। कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान लेड बाई चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व की जो सरकार है, इज ट्राइंग टू बक
दैट ट्रेंड, वो उस ट्रेंड को बक करने की, रेसिस्ट करने की, क्या करने की, रेसिस्ट करने की, रोकने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, रेसिस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो गहलोत गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बक दैट ट्रेंड, वो उस प्रवृत्ति को कि वर्तमान गवर्नमेंट दोबारा वापस, गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती, इस ट्रेंड को बक कर रही है, रेसिस्ट कर रही है। व्हाइल द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इज रिलाइंग ऑन, पर निर्भर है इट टू रिटर्न टू द पावर, और इसी ट्रेंड पर वो निर्भर है कि हम वापस पावर में आ जाएंगे, क्योंकि आप एक बार रह लिए एंड साइमल्टेनियसली के साथ साथ, एक ही टाइम, एक ही समय में कोई दो घटनाएं बराबर हो तो होता है साइमल्टेनियसली, तो साथ ही साथ साइमल्टेनियसली इफेक्ट ए चेंज ऑफ लीडरशिप इन द स्टेट, और साथ ही साथ है जो इसके अंदर लीडरशिप का भी चेंज होने की संभावना है। बोथ पार्टीज हैव इंटरनल इश्यूज, दोनों पार्टियों के आंतरिक मुद्दे हैं टू मैनेज इवन एज दे फेस ऑफ इन ए लाइकली स्टेट बैटल फॉर मेजोरिटी इन द 200 स्ट्रॉन्ग स्टेट असेंबली, 200 सदस्य की मजबूत विधानसभा के अंदर उन्हें बहुमत के लिए जब एकदम सीधा उनका फेस ऑफ होना है, सीधी लड़ाई होनी है शुरुआत में ही, तो भी उनको इंटरनल इश्यूज है, आंतरिक मुद्दे हैं, उनको भी रिजोल्व करना है। अर्थात अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट गुट है और बीजेपी में वसुंधरा वर्सेज है जो दूसरे साथियों का गुट है, चाहे वो गजेंद्र सिंह हो या सतीश पूनिया हो, यानी आंतरिक गुटबाजी दोनों में है। इन्हें चुनाव जीतना है, उसका स्ट्रेट फेस ऑफ है, सीधी सामने लड़ाई है, उसके साथ साथ आंतरिक मुद्दों को भी सुलझाना है, क्योंकि 200 सदस्य विधानसभा है एंड पोलिंग इज ऑन नवंबर 25 और 25th ऑफ नवंबर को है जो पोलिंग होने वाली है। तो बहुत ही एट हैंड इलेक्शन है, देखते हैं आगे एडिटर्स का क्या विचार है। टू मिस्टर गहलोत क्रेडिट, मिस्टर गहलोत के लिए एक बात का श्रेय जाता है, ही हैज पुल्ड द कांग्रेस अप फ्रॉम द ट्रेंच, ट्रेंच ने खाई, उसने कांग्रेस को खाई में से निकाल के बाहर ले आए विद द ब्लिंक ऑफ न्यू वेलफेयर स्कीम्स। अब देखो वो नई वेलफेयर स्कीम्स लेके आए, बिल क्रिक दे दिया, बिल क्रिक जैसे मैंने बताया, बिल क्रिक ऑफ ईमेल्स, बिल क्रिक ऑफ फोन कॉल्स, अत्यधिक फोन कॉल्स आए, अत्यधिक ईमेल्स आए, यह लड़ाई के अर्थ में होता है बहुत ज्यादा जबरदस्त हमले की, अचानक हमले पे हमला किया जा रहा है, जैसे कि हमास इजराइल पे किया जा रहा है या इजराइल हमास पे कर रहा है, बिल क्रिक ऑफ अटैक्स। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, बिल क्रिक ऑफ न्यू वेलफेयर स्कीम्स, नई नई लोक कल्याणकारी योजनाएं, सरकार इतनी सारी योजनाएं ला रही है, वो कह रहे हैं आप मांगते थक जाओगे, मैं देता हुआ नहीं थकूंगा, तो योजना पे योजना आ रही है, इनके नाम भी याद नहीं रहते, तो इतनी ज्यादा योजनाएं ला रहे हैं, उसके कारण वो क्या है, कांग्रेस को खाई में से ऊपर ले आए। एंड इफेक्टिव पब्लिक आउटरीच, और एक प्रभावशाली पब्लिक आउटरीच, जनता तक उनकी पहुंच है, आउटरीच का मतलब क्या हुआ, पहुंच होना। एंड ब्लंटिंग एंटी इनकम्बेंसी, ब्लंटिंग होता है उसको धुंधला कर देना, एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ता विरोधी लहर है उसको उन्होंने हल्का कर दिया है। एंड रेजिंग द होप ऑफ द कैडर्स, और कांग्रेस कैडर में उन्होंने उम्मीद जगा दी है। हैविंग एवर्टेड द डिफॉल्ट डिफीट, तो बाय डिफॉल्ट जो हार होती है उसको रोकते हुए, द कांग्रेस प्रोस्पेक्ट्स नाउ डिपेंड ऑन हाउ वेल इट सेलेक्ट्स कैंडिडेट्स, अब कांग्रेस की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी अच्छी तरह से अपने कैंडिडेट्स का चयन करती है। एंड गेट्स इट्स कंपेनिंग राइट इन द लास्ट लेग, और अंतिम समय में अपना कैंपेन कैसे कर पाती है। तो यंगर कलीग एंड एस्पायरेंट फॉर द टॉप पोस्ट, टॉप पोस्ट क्या है भाई, सीएम की सीट, तो जो यंग कलीग है, युवा साथी है, और जो कि टॉप पोस्ट है, जो शिखर का जो पद है मुख्यमंत्री का, उसके दावेदार कौन है, सचिन पायलट हैज बरीड द हैचेट, बरीड द हैचेट दुश्मनी खत्म कर देना। अब यहां पर देखो इनकी कोई हमास इजराइल जैसी तो दुश्मनी है नहीं, ये तो क्या है, राजनीतिक पद की इच्छा की थोड़ा सा मनभेद है कि चलो आपकी जगह मैं आ जाऊं, आप भी तो युवा बने थे, अब मैं युवा, मुझे भी मौका दो।
तो उन्होंने क्या अपनी पॉलिटिकल जो थोड़ी सी महत्वाकांक्षा है उसको बुलाया है, तो उसके अर्थ में क्या कहा गया है, बरीड द हैचेट। तो ये जो निजी महत्वाकांक्षाओं को दमन किया है उस अर्थ में बरीड द हैचेट हो गया। ओके, तो उन्होंने अपनी दुश्मनी को, लड़ाई को खत्म किया है और दोस्ती की है। बिकेम फ्रेंडली एंड थ्रोन हिज वेट बिहाइंड मिस्टर गैलोट इन दिस बैटल, और थ्रो हिज वेट बिहाइंड का समर्थन कर देना, टू थ्रो हिज वेट बिहाइंड, अब उन्होंने अपना सपोर्ट कर दिया है गैलोट साहब के साथ इन दिस बैटल। सो रिपोर्टिंग सो फार इंडिकेट्स, अब तक की रिपोर्ट्स वो संकेत देती है दैट व्हाइल देयर इज नो एंटी इनकंबेंसी अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई विशेष एंटी इनकंबेंसी नहीं है, सत्ता विरोधी लहर नहीं है, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs of the Congress might be coming up against strong headwinds. हाँ, व्यक्तिगत जो MLA है Congress party के, they might be, शायद, might का प्रयोग होता है शायद के अर्थ में, तो might be coming up against strong headwinds, शायद वो अपने जो उनके खिलाफ जो लहर है, विरोधी लहर है, हो सकता है उस विपरीत स्थिति का वो सामना नहीं कर पाए। सो दिस इज ए डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द पार्टी टू टैकल, ये पार्टी के लिए एक कठिन स्थिति है जिसे उसे ढंग से टैकल करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। एंड रिप्लेसिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ सिटिंग MLAs विद द फ्रेश फेसेस, और अधिक से अधिक ऑप्टिमल नंबर MLA जो सिटिंग MLA है उनकी जगह कोई नए चेहरे सामने लाने पड़ेंगे, विल बी ए टेस्ट फॉर मिस्टर गहलोत्स स्टोरीड पॉलिटिकल स्किल्स। तो गहलोत जी के जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, कौशल है, उसका यह एक टेस्ट होने वाला है कि वो कितने नए चेहरों को मौका देते हैं। नेक्स्ट वन इज द बीजेपी हैज बीन ईगर टू शेक ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे। यस, बीजेपी बहुत ही उत्सुक है, ईगर है टू शेक ऑफ, से छुटकारा पाना, लो जी समय बड़ा बलवान है, टू शेक ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अपने पूर्व मुख्यमंत्री पर निर्भरता कम करने से वो क्या करना चाहता है, शेक ऑफ होना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। मोदी जी कहते हैं भाई यहाँ तो मेरी ही चलेगी। एज एन एजर्टिव लीडर, एक बड़ी आक्रामक देता है, हु कमांड्स हर ओन फॉलोइंग, जो अपने खुद के फॉलोअर को खुद कमांड करती है अपने अंदाज में, दैट इज इंडिपेंडेंट, जो कि स्वतंत्र है, नॉट फ्रॉम द हाई कमांड, सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टी, जो पार्टी से थोड़ा हट करके अपना अंदाज से नेतृत्व करती है। सो द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द पार्टी हैज मेड इट क्लियर दैट, और जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का उसने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है दैट द पार्टी विल नॉट प्रोजेक्ट ए कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के लिए पहले चुनाव से पहले कोई कैंडिडेट नहीं होगा, उसे वो प्रोजेक्ट नहीं करेगी। सो सेवरल ऑफ कॉन्फिडेंट्स हैव बीन डिनाइड टिकट्स ऑलरेडी, और उसके कई सारे विश्वसनीय हैं, कॉन्फिडेंट्स हैं, समर्थक है, सपोर्टर है, उनको डिनाई कर दिया गया है, मना कर दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया है। एंड मोर माइट फेस दी एक्स, यस मोर माइट फेस टू फेस दी एक्स, यानी कि कठिनाई का सामना करना, कुल्हाड़ी का सामना, टू फेस, टू माइट फेस दी एक्स, देखो बरी द हैचेट, बरी दी एक्स यानी दुश्मनी खत्म करना, और माइट फेस दी एक्स यानी कि खतरे का सामना करना, तो बहुत से लोगों के टिकट काट दिए गए और बहुत से के खतरे का सामना करना पड़ेगा, तो दोनों idiom अच्छी तरह से अब आपको याद हो जाएगी। सो मैनी मोर माइट फेस द एक्स, द बीजेपी हैज फील्डेड 7 सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमंग द 41 कैंडिडेट्स, 41 लोगों की जो सूची है उसमें से 7 सिटिंग MPA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसदों को फील्डिंग हैज फील्डेड यानी फील्ड में लगाया है, उनको टिकट दिए हैं। इट हैज अनाउंस्ड, जो कि इसने घोषणा की उसमें से, एंड सेवरल ऑफ इट्स लीडर्स नाउ नर्चर एम्बिशंस, और इसके बहुत से जो लीडर्स हैं वो अभी अपने एम्बिशंस महत्वाकांक्षा नर्चर कर रहे हैं, उनको पोषित कर रहे हैं।
फॉर द टॉप पोस्ट, यस पुनिया जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, गजेंद्र जी कह रहे हैं मैं बनूंगा, राठौड़ जी कह रहे हैं मैं बनूंगा, एक दो और है वो कह रहे हैं मैं बनूंगा, तो ये कह रहे हैं सेवरल बहुत सारे। अब सेवरल से एक देखे ना अनेक, अब मेनी सेवरल और वेरियस, जब आप अनगिनत संख्या में इजीली काउंट नहीं कर सकते तो मैं कहना चाहिए देर आर मेनी पर्सन। ओके, जब एक लिमिटेड नंबर हो और एक ही कैटेगरी हो, सेम कैटेगरी हो, तो हम कहेंगे सेवरल, सेवरल लायर्स या सेवरल टीचर्स या सेवरल पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ बीजेपी, केवल बीजेपी के कुछ नेता एक ही कैटेगरी के मुख्यमंत्री बनने वाले, तो सेवरल आ गया अनेक, तो सेवरल हो गया, और इतने ज्यादा वो काउंट नहीं कर सकते तो मेनी कहेंगे। और अब एक हो गया सेवरल मेनी और एक हो गया वेरियस, तो वेरियस होते हैं अनेक होते हैं लेकिन अलग अलग कैटेगरी के, हमने कह दिया वेरियस लीडर्स आर एम्बिशियस फॉर द टॉप पोस्ट, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बहुत सारे नेता हैं, तो वेरियस लीडर्स बोल दिया, इसका मतलब वो कांग्रेस के भी है, बीजेपी की भी है, आरएलपी के, एक्स वाई जेड पार्टी के, यानी कई सारी पार्टियों के अनेक नेता, तब अपने वेरियस लीडर्स बोलेंगे, लेकिन एक ही पार्टी के कई सारे नेता है तो सेवरल। ये बात समझ में आ गई होगी, तो सेवरल वेरियस और मेनी का अलग अलग अर्थ प्रयोग कर रहे हैं ढंग से। तो सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हैव ओपनली स्टेटेड दैट ए जनरल ट्रांजिशन इन द लीडरशिप ऑफ द पार्टी इज अंडर वे, और उन अनेक नेताओं में से जो मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं बीजेपी में, उन्होंने क्या कहा है, ओपनली स्टेटेड खुले तौर पर कहा है कि एक जनरल ट्रांजिशन हो रहा है, एक सामान्य परिवर्तन का दौर हो रहा है, इन द लीडरशिप ऑफ द पार्टी इज अंडर वे, यानी भारतीय जनता पार्टी में जो जनरेशन शिफ्ट का काम चल रहा है, टॉप लीडरशिप को सेकेंड लाइन थर्ड लाइन से रिप्लेस किया जा रहा है, द पार्टी होप्स दैट दिस कंफ्यूजन इज इमेटेरियल, मटेरियल होता है महत्वपूर्ण और इमेटेरियल अनइम्पोर्टेंट नॉट महत्वहीन, तो इमेटेरियल हो गया महत्वहीन, तो ये जो लीडर्स जो है मटेरियलिस्टिक बात नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, तो ये बात है इमेटेरियल है, इन लाइट ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलरिटी है उसके आगे ये बात इमेटेरियल है कि अब नई शिफ्ट हो रही है तो इस कंफ्यूजन का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एंड कुड इवन हेल्प इट, और इसमें उनको मदद मिलने वाली है। चलो जी, उसको लेकर के और क्या विचार रखते हैं, मिस राजे विल लुक फॉर वेज short of an open rebellion to preserve her political standing in the state. Miss Rajya kya karegi aisi sthiti mein, agar party bilkul hi replace kar rahi hai to she will look for the ways short of an open rebellion, wo is tarah ka tarika apna sakti hai, method apna sakti hai, short of means type of, इस प्रकार का कि ओपन रिबेलियन करे, वो खुला विरोध करे, विद्रोह करे, यानी पार्टी के एकदम खिलाफ चली जाए, टू प्रिजर्व हर पॉलिटिकल स्टैंडिंग, ताकि वो अपने राजनीतिक स्टैंडिंग को बनाए रख सके इन द स्टेट एंड द पार्टी, राज्य में भी और पार्टी में भी, जैसे पिछले दिनों कांग्रेस में गहलोत साहब ने थोड़ा बहुत किया था। तो ऑफ द फाइव स्टेट्स दैट आर गोइंग टू द पोल्स, पांच राज्यों में से, ऑफ द फाइव पांच में से, उन राज्यों में आर गोइंग टू द पोल्स, जो कि पोल्स में जाने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। अब आप ध्यान रखें, जब निकट भविष्य की बात हो तो उसको प्रेजेंट में भी बोला जा सकता है, अब निकट फ्यूचर नियर फ्यूचर में इलेक्शन होने वाले हुए तो नहीं है ना, होने वाले हैं, तो आर गोइंग, ये देखो आर गोइंग टू द पोल्स, तो वो चुनाव होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप has the highest tax in Rajasthan, तो जो सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो हाईएस्ट टैक्स पे है राजस्थान में, यानी उनका सबसे ज्यादा कुछ दांव पे लगा हुआ है, कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। The outcome in Rajasthan will have the highest influence on its strategy for the Lok Sabha election in 2024 too. इसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट आने वाला है इन द राजस्थान में, जो परिणाम आएंगे उसका हाईएस्ट इन्फ्लुएंस, सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा लोकसभा की जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, उसमें, जो कि चुनाव 2024 में होने वाले हैं।
तो इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेक बीजेपी का है। एडिटर्स के टोन ये है क्योंकि कांग्रेस अगर हार भी जाती है तो वो तो कहेंगे ये तो एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड चल रहा था, हमने इसको बक करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। तो सबसे ज्यादा स्टेक इनका है क्योंकि इसे उनकी लोकसभा की पॉलिसी पर इम्पैक्ट आने वाला है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आई डू होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। हैव ए ग्रेट डे अहेड।